लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हिंदू जनजागृति समिति ने रायगढ़ के सावित्री नदी पुल हादसे की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट को निरर्थक और पैसों की बर्बादी करने वाला करार दिया है। 2 अगस्त 2016 को भारी बारिश के कारण सावित्री नदी का यह पुल पानी में बह गया था। इस हादसे में 2 बसें और 1 कार में सवार 42 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसके शाह की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि पुल बाढ़ के पानी में बहा, इसके लिए कोई संबंधित अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि आज 5 साल बाद आई रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाते हुए हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता डॉक्टर उदय धुरी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट तो कोई भी ऑटो चालक बना सकता था, फिर इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर जांच समिति बनाने की जरूरत क्या थी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रायगढ़ में जो बाढ़ आई थी उसके कारण सावित्री नदी पर जो ब्रिज था वो बह गया था, उसमें 40 लोगों की मृत्यु हुई थी। तुरंत ही एक जांच आयोग उस पर बिठाया गया था, उसका खर्चा 24 लाख के ऊपर हुआ। 9 महीने के बाद जांच शुरू हुई और 1.5 बरस के बाद उसका अहवाल प्राप्त हुआ। उस अहवाल में जो त्रुटियां थी वो बहुत गंभीर थी, लेकिन जांच आयोग ने उस पर दुर्लक्ष किया और उनको सभी को, उन दोषी अधिकारियों को क्लीन चिट दी। वो जो ब्रिज था वो 100 बरस पुराना था, वृत्तपत्र में उसकी जानकारी दी गई थी, उसकी चर्चा विधि मंडल में भी हुई थी और उस निकष पर आए थे कि वो ब्रिज जो है वो बंद कर दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने अनदेखी की। उस पुल के वहाँ कोई भी सूचना फलक नहीं था, कोई भी इंडिकेटर नहीं था, रात के समय कोई भी वहाँ गश्त नहीं थी। उस पुल की कम से कम पानी के पहले और पानी के बाद यानी बारिश के बाद 2 बार जांच होनी थी, लेकिन किसी भी अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की थी। उस पर भ्रष्टाचार हुआ था, 2005 में उसकी दुरुस्तियां वहां लिखी है, उसके बाद उसकी दुरुस्तियां 2006-07 में की है ऐसा लिखा है, और 2008 में वही दुरुस्तियां फिर से लिखी है, यानी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जांच आयोग ने अपनी निष्क्रियता दिखाई है, किसी भी अधिकारियों को दोषी नहीं कहा है। कोई भी वनस्पतियों पर रासायनिक जो उपचार किए जाते हैं वो नहीं किए। तो इसीलिए यह जो अहवाल है वो 1 नंबर का झूठा अहवाल है, इसीलिए दोषी अधिकारियों की पुनर्जांच होनी चाहिए। जो उपाय योजना बताई गई है वो तत्काल होनी चाहिए, ऐसी हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से हम मांग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।